हर हर गंगे दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूँ हर की पैड़ी। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को हरिद्वार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर एक तीर्थ स्थान, हर एक मंदिर का दर्शन कराऊंगी। तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक आज मैं आ चुकी हूँ हर की पैड़ी। हाँ, मगर थोड़ा सा खेद है कि मैंने आप लोगों की वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट कर दिया। तो कोई बात नहीं, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मैं कराती हूँ आपको हर की पैड़ी के दर्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हम लोग आ गए, मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं अभी हर की पैड़ी में। तो चलो कर लो माता गंगा के दर्शन, जिसके दर्शन मात्र से मन को शांति और एक पॉजिटिविटी मिलती है। मेरा मन यहाँ आके एकदम पॉजिटिविटी से भर जाता है और मेरे मन को इतना सुकून मिलता है, शांति का एहसास होता है बस इसके दर्शन मात्र से। तो आप भी इसके दर्शन कर लीजिए। आजकल आप देख सकते हैं गंगा का जल काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक है और भीड़ भी ठीक ही है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आजकल आपको ये टाइम काफ़ी बेस्ट है क्योंकि सर्दियां हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पे, अभी ठंड है ही, इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी है, तो काफ़ी लोग अभी आए हुए हैं यहाँ दर्शन के लिए, गंगा स्नान के लिए। जब स्नान होता है तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब स्नान के और दिनों, जैसे संडे, शनिवार और रविवार के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और दिनों आप आएँगे तो थोड़ा भीड़ कम मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं माँ गंगा के पावन दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ पे। काफी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और अब मैं आपको कराती हूँ मनसा देवी के दर्शन। जी हाँ, मनसा माता के दर्शन और गंगा माता के दर्शन। ये देखिए, गंगा माता और गंगा माता के साथ साथ ही मैं आपको मनसा देवी के दर्शन भी कराऊंगी। नीचे गंगा माता बहती है और ऊपर टॉप में मनसा देवी, हमारी मनसा माता रहती है। एकदम शांत, पावन, निर्मल माता गंगा का जल। उसी प्रकार जब मैं यहाँ आती तो मेरा मन भी एकदम पावन और शांत हो जाता है और मेरा दिन बहुत ही बेहतर हो जाता है और मैं पॉजिटिविटी से भर जाती हूँ। यकीन मानिए, यहाँ अगर आप एक डुबकी लगा लेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपके सारे मन के मैल हट जाते हैं और एकदम पाक पवित्र हो जाते हैं आप, और वैसे ही पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। और ये देखिए माता मनसा देवी, नीचे बहती है माँ गंगा और ऊपर टॉप पे विराजमान है हमारी मनसा देवी। हर की पैड़ी से ही आप यहाँ से ही टिकट लेके आप ऊपर माता मनसा देवी के दर्शन भी इजिली कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको मनसा देवी माता के दर्शन कराऊंगी। फिलहाल आप कर लीजिए हर की पैड़ी माता गंगा के दर्शन, जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र और पावन हो जाता है। और यहाँ से एक घाट से दूसरे घाट में जाने के लिए काफी सारे छोटे मोटे ब्रिज बने हुए हैं। काफी बड़ा एरिया है हर की पैड़ी का। अभी मैं आपको अच्छे से मेन घाट, जो सबसे मेन घाट है, उसके दर्शन करा रही हूँ। हरिद्वार में कम से कम 100 के आसपास घाट होंगे, छोटे बड़े बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे, मगर ये हर की पैड़ी का सबसे मेन घाट है, सबसे बड़ा और सबसे मेन घाट यही है हर की पैड़ी का, जिसके मैं अभी आपको दर्शन करा रही हूँ। Thank you.
अभी मैं आ गई हूँ दूसरे साइड के घाट में, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है इस घाट पे। भीड़ इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे जल का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं माता गंगा की प्रतिमा है यहाँ घाट के बीचों बीच। गंगा माता पे बनी है माँ गंगा की प्रतिमा। तो चलिए कराती हूँ मैं आपको माँ गंगा के दर्शन। ये है गंगा माता जो गंगा नदी के बीचों बीच में बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कितना शांत स्वरूप माँ गंगा का आजकल, बहुत ही शांत स्वरूप, जिसे देख के बस मन एकदम शांत हो जाता है। Thank you.
गंगा जल भर लेने के बाद और अब हम निकल चुके हैं घर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट हैं, दुकानें हैं जहाँ आपको हर एक प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, और होटल, धर्मशालाएँ, रहने की व्यवस्थाएँ भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर लें, और अब हम मिलते हैं आपको आगे की नई वीडियो में, नई जगहों के टूर पे और नए जगहों के दर्शन कराने के लिए।